टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ फॉर्मेशन. कैसे कोल का फॉर्मेशन होता है आइए जानते हैं. कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ द प्लांट दैट लिव्ड इन स्वैम्प्टी फॉरेस्ट ऑफ स्केल ट्रीज गेंट फर्न्स हॉर्स टेल्स एंड क्लब मॉसेस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो. कोल बनता कैसे है? जब प्लांट या फिर एनिमल जब काफ़ी समय तक होता क्या है, हम उसको डंप कर देते हैं यानी गड्ढे में, मतलब उसको डाल देते हैं मरे हुए प्लांट और एनिमल को. और वो जब सड़ने लग जाता है और जब वो सड़ने लगेगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, है ना. और वो तब एक फॉर्मेशन धीरे धीरे ये लेयर अपॉन द लेयर ऑफ दीज प्लांट्स डाइड एंड वेयर कंप्रेस्ड एंड देन कवर्ड विद द सॉइल. और धीरे धीरे ये सॉइल से कवर्ड हो जाएंगे. एज द लेयर वेयर सक्सेसफुली कवर्ड देयर एक्सेस टू द एयर वॉज लिमिटेड, है ना. तब होता क्या है, जब इसके ऊपर सॉइल का लेयर कवर्ड हो जाता है और उसके बाद और भी अच्छे से, है ना. दिस एक्सेस टू द एयर वॉज लिमिटेड एंड दिस स्टॉप द फुल डिकम्पोजिशन प्रोसेस. तब और भी अच्छे से क्या होता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है ना. जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग पिट, है ना. पिट के द्वारा हम उसको हम पिट बोलते हैं, जिसमें गड्ढा करके हम किसी भी प्लांट या एनिमल को हम डालते हैं. कोल वॉज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ पिट एट हाई टेम्परेचर. अब पिट से क्या होगा, यानी उस पर जैसे हमने किसी चीज़ को गड्ढे में डाला है तो ऊपर से हम अगर कोई भी चीज़ जैसे हमने सॉइल डाल दिया तो उस पर दबाव पड़ेगा और उसका टेम्परेचर भी जो उसके अंदर मटेरियल जो भी है गड्ढे के अंदर उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा. एज कोल वॉज फॉर्म्ड, तभी ये कोल जो है फॉर्म्ड होता है फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इसको हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. एंड द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल, है ना. कोई भी प्रोसेस जो कन्वर्जन होता है, कोई भी डेड वेजिटेशन जो चेंज होता है किस में, कॉइल में चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन. द पीरियड ड्यूरिंग विच दिस प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन, जब एक अंतराल जो समय लगता है कोल को फॉर्म करने में, है ना, वह जहाँ पे इसको बोलते हैं कार्बोनिफ्रेशन एज, यानी जितना समय लगता है उसको कार्बोनिफ्रेशन एज कहते हैं. आइए जानेंगे. द कार्बन कंटेंट ऑफ कोल राइजेज एज इट कंप्रेस फर्दर एंड मॉइस्ट कंटेंट फॉल्स, है ना. और धीरे धीरे कार्बन क्या हो जाता है, उस कोल के अंदर आने लग जाता है और वो कोल प्रोवाइड करने के एक सिचुएशन में आ जाता है. द फर्स्ट टाइप ऑफ कोल टू फॉर्म इन लिग्नाइट, आपको फर्स्ट फॉर्म जो कोल का है आपका लिग्नाइट, फॉलोड बाय द ब्रिटिमिनियस कोल एंड लास्टली एंथ्रासाइट. और ये टाइप्स के कोल हैं जो आपको सबसे पहला मिलेगा, लिग्नाइटाइट, ब्रिटिमिनियस और दूसरा सबसे लास्ट वाला एंथ्रासाइट. व्हेन कोल इज हीटेड इन एयर, जब आप कोल को हीट करेंगे इट बर्न्स एंड मेनली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विथ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी के साथ कार्बन प्लस ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं हम CO2, आपको गैस मिलेगा किसको, जलाने के बाद कोल को. आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ द कोल, कोल्स के टाइप बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट्स. देयर आर फोर वेराइटी ऑफ द कोल. सबसे पहला है आपका पीट, इट कंटेंट्स अबाउट 11% ऑफ कार्बन, इसके अंदर 11% कार्बन होता है. इट इज़ यूज टू इम्प्रूव सॉइल एंड ऑल्सो एज इंडस्ट्रियल फ्यूल. और ये सॉइल को तो इम्प्रूव करता ही है और साथ में इंडस्ट्रियल फ्यूल को भी ये इम्प्रूव करता है. आगे पढ़ेंगे एंथ्रासाइट, इट कंटेंट्स अबाउट 96% कार्बन एंड इज मेनली यूज फॉर हीटिंग. और ये इसके अंदर 96% कार्बन होता है, स्पेशली ये हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल, ये बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल इसको कहा जाता है. बिटुमिनियस, इट कंटेंट्स अबाउट 65% कार्बन, इसके अंदर 65% कार्बन होता है एंड इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट. और इसको हम थर्मल पावर प्लांट के लिए हम बिटुमिनियस को यूज़ करते हैं. लिग्नेटाइट, इट कंटेंट्स अबाउट 38% कार्बन, इसके अंदर 38% कार्बन होता है. इट इज़ कंसिडर्ड
का एज अ लो ग्रेड कोल वेराइटी, और ये लो ग्रेड कोल वेराइटी हम इसको कहते हैं, इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक ऑन हीटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा ये धुआं प्रोवाइड करता है जब ये गर्म होता है एंड जब इसको जलाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन, इसको हम पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। आगे जानेंगे यूजेज ऑफ कोल। फर्स्ट, कोल इज़ वाइडली यूज एज अ फ्यूल इन फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम कोयले को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में और थर्मल पावर प्लांट में, जिससे कि एनर्जी क्रिएट हो, जो इलेक्ट्रिसिटी आज हम यूज़ कर रहे हैं ये कोल की वजह से ही हो पा रहा है। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक सेवरल प्रोडक्ट्स, और हम कुछ प्रोडक्ट्स भी जैसे बना सकते हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोल गैस, किसके कारण, कोल को यूज़ करके। नाउ थर्ड पॉइंट, कोल इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस, और कोल से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सिंथेटिक पेट्रोल और सिंथेटिक नेचुरल गैस भी। नाउ फोर्थ पॉइंट, कोल इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, टोलुएन और फिनोल एंड नेप्थलीन, है ना। कोल से आपको नेचुरल कंपाउंड भी जो ये सारे मिलते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और आपको ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी आप कोल का यूज़ करते हैं। आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टिलेशन ऑफ कोल। आगे देखिए, जो कोल है ये भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इनका भी कर रखा है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। कोल कंटेन्स मेनली वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपार्ट फ्रॉम द कार्बन, जो कोल के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हेन कोल इज हीटेड विदाउट एयर, जब हम उसको हीट करते विदाउट एयर, इट डज नॉट बर्न, तब ये नहीं जलता। बाई प्रोडक्ट्स, मैनी बाई प्रोडक्ट और इससे बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल टू हाई टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम उसको गर्म करते हैं, जलाते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 1000 डिग्री सेल्सियस पे, कहाँ, जब वहाँ पे एयर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, है ना। द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस आर कोक, और उसमें से बाय प्रोडक्ट को प्रोसेस से जो प्रोडक्ट है निकलता क्या है, कोक, कोल गैस एंड एनोमेशियल लिक्विड। आइए जानेंगे, कोल तार इज़ अ ब्लैक फिक्वस लिक्विड, जो कोल तार होता है वो चिपचिपा होता है, आपने देखा होगा रोड में बनाने में यूज़ होता है, और उसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अराउंड 200 डिफरेंट कंपाउंड, और उसके अंदर 200 डिफरेंट कंपाउंड्स उसके अंदर मिक्स किया जाता है, विच आर ऑल्सो सेपरेटेड एंड यूज, और आप उसको सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट कंटेन ऑब्टेंड फ्रॉम द कोल तार सर्वर रॉ मटेरियल वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक सिंथेटिक डाइस, और आप इस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में भी और सिंथेटिक डाई में भी, ड्रग्स में, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, एक्सप्लोजिव्स एक्सेट्रा, इन सब में यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो यूज़ फॉर मेकिंग वर्निशेस रोड सरफेस एंड वाटर प्रूफिंग रूफ, और आप अपने छत को भी वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, किसको यूज़ करके, कोल तार को यूज़ करके, रोड सरफेस में भी यूज़ होता है, और हम अगर चिकना करना चाहें रोड को, हम कोल तार उसमें यूज़ करते हैं। जब आपने देखा होगा रोड पे बहुत ही तेज़ी से जो कार है बहुत ज़्यादा रन करता है, यानी रफ सरफेस है वो, तभी वो मूव कर जाता है, क्यों, किसकी वजह से, कोल तार की वजह से। कोल इज टफ पोरस ग्रीनिश ब्लैक रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर पाइलोरेसिस, इट इज 98% कार्बन, और जो कोक है कोट के अंदर 98% कार्बन है। इट इज़ यूज एज स्मोकलेस, यूज फ्यूल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, है ना। आप जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील करते हैं तो आप इस चीज़ का भी यूज़ करते हैं वहाँ पे, किसका, कोक का। इट इज़ यू ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस, है ना, जैसे CO2 CO+ H2, यानी प्रोड्यूस क्या करता है, गैस CO+ N2। कोल गैस इज ऑब्टेंड व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन कोक, कोल गैस आपको कब मिलता है, कोक की वजह से, जब कोक का प्रोसेस होता है। इट इज़ यूज एज फ्यूल, आप उसको फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, इसको हम कोल गैस बोलते हैं, है ना, जैसे हम देख रहे हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस एनोमेशियल लिक्विड ए कंपाउंड ऑफ एमोनिया इज ऑल्सो फॉर्म वाइल इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, और ये जो फर्टिलाइजर में क्या होता है, मैन्युफैक्चर जब हम फर्टिलाइजर करते हैं तब आप इसका भी यूज़ करते हैं, किसका,
ये अमोनियम लिक्विफायर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अमोनियम कंपाउंड ऑफ अमोनिया। जब आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र जब आप बनाते हैं तो कोक का कोल गैस का उसमें भी यूज़ किया जाता है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।